राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अस्थिर कर रही है। सीएम ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत के समय मैंने रोका था, टॉपलिंग के प्रयास होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सभी विधायकों को पत्र लिखे हैं, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल षड्यंत्र कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा ने षड्यंत्र कर सरकारें गिराई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से बात की है। नवभारत समाचार जैसलमेर से कपिल नागौरा। आज विश्व आदिवासी दिवस है। मेरी ओर से पूरे प्रदेश के आदिवासियों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। सरकार पूरी तरह आदिवासियों के कल्याण के लिए योजना बनाती जा रही है, आगे भी योजनाबद्ध तरीके से विकास हो आदिवासी क्षेत्र का भी, आदिवासियों का भी हमारा संकल्प है। इसीलिए हमने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा करी है। दूसरा, जो आप देख रहे हो कि जो अब बीजेपी के विधायक बाड़े बंदे में जा रहे हैं, तो इनकी पोल खुल गई है। आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं, होस्टेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने, आप देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। पर बीजेपी के विधायकों किस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके। उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। कैलाश मेघवाल जी ने पहले स्टेटमेंट यही था, इस प्रकार की परंपरा अच्छी नहीं है, राजस्थान में ऐसी परंपरा कभी रही नहीं है। और सबको मालूम है कि मैं बार बार कहता हूँ कि 2-3 बार पहले अटेम्प्ट हुए थे भैरव सिंह शेखावत साहब के वक्त में, तब मैंने विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की हैसियत से, केंद्रीय मंत्री था मैं, चाहे नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर तब भी विरोध किया, बलिराम भगत जी थे राजस्थान के अंदर राज्यपाल, मैं उनसे आगे मिला। ये परंपराएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए सरकार टॉपलिंग करने की, षड्यंत्र करके। बीजेपी के जो स्थानीय नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर आज और कल उनकी पोल खुल गई। जब वो चार्ट प्लेन कर रहे हैं, विधायकों को भेज रहे हैं और बाड़ेबंदी करवा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं जो डाल रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है, ये खाली सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है, उसके खिलाफ जो संघर्ष ही है, और विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के घर घर के अंदर चर्चाएं हैं, ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है। सरकार अच्छा काम कर रही थी, कोरोना को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, देश में दुनिया में तारीफ हो रही थी राजस्थान की। जब जीवन बचाने का संघर्ष हो, वहाँ राजनीति पीछे हो जाती है। दुर्भाग्य से जीवन बचाने के संघर्ष के अंदर भी, आजीविका बचाने के संघर्ष के बावजूद भी, उस वक्त भी इनको सरकारें टॉपल करने के लिए षड्यंत्र करने का टाइम मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस में इनकी कितनी रुचि होगी, शासन करने में इनकी कितनी रुचि होगी, आप सोच सकते हो। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करी, खुद ने, अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग जिस रूप में डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, 70 साल में बचा के रखा है, सरकार आई भी है गई भी है। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता चुनाव हार गई थी, पुनः जनता ने उनको सत्ता सौंप दी 2.5 साल के अंदर। राजीव गांधी शहीद हो गए, वाजपेयी जी के वक्त में देखा आपने, वो खुद बार बार कहते थे डेमोक्रेसी हमारे लिए सर्वोपरि सर्वोत्तम होना चाहिए, डेमोक्रेसी रक्षा होनी चाहिए। आज जिस प्रकार का हमला हो रहा है, जब सरकारें कांग्रेस की वहां पर एक के बाद एक 7-8 राज्यों में हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे लगभग 45 थे विधायक, 40 को तोड़ लिया गया।
मणिपुर में क्या तमाशा हुआ, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या घटनाएं हुई थी, सबको मालूम है। कर्नाटक में सरकार चली गई हमारी, तोड़ ली गई हॉर्स ट्रेडिंग से। मध्य प्रदेश में नंगा नाच हुआ, सबको मालूम है। ये हो क्या रहा देश के अंदर? हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी, 14 के बाद में जारी रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। और हम लोग जो है, विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हैं, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। उनके अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र, वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। सर वसुंधरा राजे भी बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकातें कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ, क्योंकि आप बोल चुके हैं कि बड़े बंदे, देखिए उनका बीजेपी का तो वो क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि बीजेपी के लोग देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इस देश की जनता और प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। आप देखेंगे 19 विधायक हैं, जिस रूप में खबरें आ रही है वो चिंताजनक खबरें हैं, जिसमें क्या बाड़ेबंदी करी गई, उनकी बाड़ेबंदी की गई है, वाउचर लगा करके 200 लोग खड़े हैं वहां पर, मिलने दिया नहीं जा रहा किसी को भी। उनके परिवार के लोग जाते हैं, हमारे पहले SOG वाले गए थे, ACP वाले गए थे, कानून अपना काम करता है, कम से कम उनसे बातचीत तो करें। वो लोग गए थे खाली बातचीत करने गए थे, SOG को नोटिस दिए गए थे, वो बातचीत के लिए दिए गए थे, पर ऐसा फैलाया गया जैसे कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया हो नेताओं पर। अरे भाई मुझे भी नोटिस मिला, सबको मिले थे कि भाई ये जो मामला चल रहा है उसमें आपका कहना क्या है, खाली बयान देने के लिए सिंपल नोटिस था, उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया नेताओं द्वारा जैसे हम सबको राजद्रोही बना करके देखिए हमारे खिलाफ में SOG मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। इतनी जानबूझ करके जो ये बातें की जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ने बड़े विश्वास के साथ में सत्ता सौंपी है कांग्रेस को। राहुल गांधी जी ने दौरे किए थे, वादे किए थे जनता से, मैनिफेस्टो में हमने उन सब वादों को लिया है। हम चाहते हैं कि वादों को निभाने के लिए राज्य यही कर दें, लगे हुए हम लोग। हालांकि कोविड के कारण से जो लॉकडाउन हुआ उसे रेवेन्यू कम हो गई, केंद्र की भी राज्यों की भी, उसका अलग संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। और दुर्भाग्य उसके बाद में अगर ये घटना होगी सरकार अस्थिर करने की, आप सोच सकते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक पर। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस BJP के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे और चले गए, घर घर में गुस्सा है राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो खुद समझ रहे होंगे, अधिकांश लोग वापस आ जाएंगे हमारे साथ में। वो अपना काम करें, अगर मान लो धाराएं वापस ली गई है या लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी, अभी आप खुद अखबार में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, मुकदमा दर्द हुआ किस रूप में हुआ, पी हुई है कि मुकदमा दर्द हुआ, ये SOG वाले बताएंगे आपको, ACP वाले बताएंगे। कानून अपना काम करता है, हम कोई इंटरवेन नहीं करते हैं। परसों खबर चला दी गई विधायकों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, अब इससे घटिया खबर क्या हो सकती है। और बड़े बड़े मीडिया के लोगों ने भी नेशनल चैनल खूब चलाया उसको, एक भी विधायक का चाहे MLA हो चाहे MP हो, किसी का भी कोई टेलीफोन टैप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार कर भी नहीं सकती, ना करना चाहिए, हमारा खुद का कमिटमेंट है कि कभी नहीं करना चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। ऐसा मीडिया में सोशल मीडिया में चलाया गया जैसे कि पता नहीं हमारे खुद के विधायक को विश्वास नहीं हो। ये जो षड्यंत्र के पार्ट है, षड्यंत्र के पार्ट में जो जो लोग शामिल हैं, चाहे कुछ मीडिया के साथी हो, चाहे ऐसे लोगों के दोस्त हो जो कि षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब मिलकर के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोई कंपनी काम करी मानसरोवर के अंदर, कंपनी रिपोर्ट दे रही है सरकार को, और विधायकों के टेलीफोन टैप हो रहे हैं, बताइए आप
ना कोई कंपनी है, ना हमें कोई जानकारी है, फिर भी ऐसी खबर चल पड़ती मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात। सर 11 और 14 तारीख सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, 11 तारीख क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। विजय हमारी होगी, अंतिम विजय सरकार की होगी, सरकार पूरे 5 साल निकालेगी, जम के सेवा करेगी, जनता अपेक्षा करती है, आशा करती है, उसको मैं पूरा करूँगा।